अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त जो है मैंने सोचा कि फाइनली जो है मैं इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अंबर होम टूर बताएं, तो चलें जी अभी मैं लंच से आई हूँ। मैंने कहा इससे पहले मैंने सुस्ती दिखाई तो ये मेरी वीडियो जो इतने दिनों से टल रही थी ये दोबारा उस पे ना मोड़ पे चली जाए। तो ये मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा छोटा सा घर है मेरा, और लेकिन अपना घर है तो इंसान को सुकून होता है। दिस इज़ दी एंट्रेंस, और ये पहले जब था ना यहाँ पे ये सब नहीं था। आए मैं दिखाती हूँ आपको, देखें ये सब मैंने स्टेयरकेस के नीचे इस पे मैंने पत्थर लगवाया, सही है, पत्थर लगवाया। ये मेरा ये एक अलग से कंसोल था, ये नीचे ये अलग है, ये मैंने अलग से वो लिए थे, बहुत पहले बन रहे थे वहाँ पे बुले इस पे था, तो ये उसके फाइबर ग्लास के हैं। फिर इसके साथ मैंने कहा ये शीशा लगाया तो इसे कंसोल दे दिया। ये संदूक जो है मैं लाई थी जब उमरा करने गई थी तो ये वहाँ के थे। अच्छा, मुझे लैम्प्स का बहुत शौक है, सम हाउ पता नहीं मैं लैम्प्स इकट्ठे करती रहती हूँ। इसके अंदर लाइट्स जलती हैं रंग बिरंगी, तो अभी थोड़ा सा उसमें का फ्यूज़ है। इसमें भी ये देखें प्लांट्स, इसमें भी लाइट्स थी, तो इसकी मुझे रिप्लेसमेंट करनी है और भी डालने हैं इसके अंदर। तो ये मैंने इसको ऐसे रखा क्योंकि जब मैं बड़े घर से दरअसल छोटे घर में आई, डाइवोर्स हुई थी मेरी, तो ये घर की हालत ऐसी नहीं थी। तो बेसिकली जाहिर सी बात है थैंक्स टू माय मदर, जिनको जितना भी मैं दुआएं दूँ कम है। तो ये किराए पे था, उसके बाद जो है किराएदार बहुत अच्छे थे, वो फौरन ही जो है वो शिफ्ट हुए। मैं जो हूँ ढाई महीने अपनी दोस्त के घर ठहरी थी और उसी दौरान मैंने इसको चेंज किया। और कैसे चेंज किया ये आप देख रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें भी साथ साथ आपको बता रही हूँ। ये बॉटल मैंने ली थी बहुत पहले हैबिट से, लैम्प है तो मुझे इस टाइप की चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। आई लव वाटर फॉल जो होता है ना, इसकी आवाज़, सूदिंग इफेक्ट। ये मैं ख़ास इसको मैं ज़रा हिलाती हूँ, ये देखें, देखिए जी मैंने ऑन भी कर दिया। ये देखें ये इसमें लाइट से शबाना का भाजी ऑन तो हो जाता है। ये देखे तो छोटी 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 ये बस ये मैंने रखा हुआ है। तो इस छोटी सी जगह को जो कि बिल्कुल ज़रा सी जगह है, ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे एंटर हो तो ताकि ज़रा अच्छा सा लगे। तो ये सब चीज़ें, हिरन के नीचे कुछ बेस था और टूट गया था। ये जो प्लांट है ना, यकीन करें ये मैं USA से लेकर आई थी और ये मेरे सूटकेस में नहीं आ रहा था। इसको फिर मेरी दोस्त ने पकड़ा अपने हाथ में, मेरे पास ऑलरेडी इतना सामान था, और साथ साथ क्या किया इसको जब मैं उन्होंने कहा जी ये कहाँ रखेंगे, तो जो उनका फ्रीज़र है ना जहाज़ का, उसके अंदर बकायदा नीचे फ्रीज, जब उसको निकाला था तो ये एकदम जमा हुआ था। तो उसको मैं ख़ास और से USA से लेके लाई हूँ। अच्छा, ये देखें ये मैंने ये ग्लास का मैंने बनवाया था, तो डिफरेंट डिफरेंट जो बड़ा घर था तो मैं डिफरेंट जगह प्लेसिंग, लेकिन मैंने इस छोटे से घर में किस तरह से चीज़ें प्लेसमेंट दी। इसको मैंने यहाँ रखा, ये मेरा एंट्रेंस है। ये सीढ़ियाँ जो हैं इसमें बिल्कुल जो पीला कलर होता है ना वो था, तो इस पे भी मैंने पॉलिश कराई। आए चले पहले मैं आपको डाइनिंग दिखाती हूँ। ये मेरा डाइनिंग रूम है। ये पेंटिंग उसकी है कॉपर की, ब्रास की। फिर जब ये लगाई इसके साथ मुझे कंसोल मिला, ये मैंने लिया था, ये सब यहीं का है, ठीक है, ये यहीं से लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ब्रास। अब ये कॉर्नर पे मैंने ब्रास से मैचिंग कर दी कि ये जो ना इस टाइप के स्टैचूज हैं, थोड़ी सी डेकोरेशन पीसेस ब्रास की। ये मैं लाई थी जद्दा से, और ये फिर अलग से मुझे थे, मैंने कहा मतलब क्योंकि किस चीज़ को कहाँ रिप्लेस करनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग चलता रहेगा चलता, जैसे डिज़ाइनिंग में ऐसे दिमाग में सोचती रहूँगी। फिर मैंने कहा ये इसके साथ ये सिल्वर है तो सिल्वर है, हल्का ब्रॉन्ज है, और ये दिखा रहे हैं आप, ये मैं वहाँ जद्दा से लाई थी, ये इसके साथ एक कॉर्नर मेरा ब्रॉन्ज का हो गया। ये चीज़ है, ये डाइनिंग टेबल, ये देखें ये मैचिंग डाइनिंग टेबल है। यहाँ दिखाओ शबाना, यहाँ लाओ, ये देखें जो कंसोल है ना इसके साथ ही ये डाइनिंग टेबल है, ऊपर शीशा है। तो ये आपने देखा, बहुत ज़्यादा मैंने लकड़ी नहीं दिए क्योंकि टू मच लकड़ी, तो ऊपर शीशा है, ये ऊपर का आपको दिखा रही है। अच्छा जी, ये देखें ये भी, ये अलग अलग पीसेस मैंने जमा किए हैं, शौक हुआ, ये अलग से मुझे मिल गया था, इसे कहाँ करूँ। ये स्टैंड था मेरे पास, ये ऐसे रखते हैं, मैंने कहा ब्रॉन्ज,
ये बाद में लिया था, बीच में तो मैंने इसको ऐसे फिक्स कर दिया, वरना ये यहाँ नहीं था। इसके ऊपर मैंने कहा चलो इसको मैं रखती हूँ, तो मैंने ये रख दिया। और ये देखिए, ये बड़ा, ये मम्मी दुबई से लाई थी, मुझे बड़ा पसंद था। ये पूरे शेल्स हैं, पतले पतले, इसकी रिप्लेसमेंट कहाँ करो कहाँ करो, या तो बीच में एंट्रेंस हो, कॉर्नर हो। तो ये देखे, ये पहले जब नहीं था ना तो ये थोड़ा सा और लंबा है, मैंने इसके इस कॉर्नर में दे दिया था ताकि एंटर हो तो डाइनिंग रूम में ना वो शेल्स या हवा हो तो। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े से छुप गए। तो ये चीज़ें जो हैं, और मैं आपको ये दिखाती हूँ, साथ में ये कुर्सियाँ हैं, मुझे ज़रा अच्छी लगती थी। ये बेसिकली टेबल थी, इसके ऊपर राउंड, आप देख सकते हैं राउंड छोटी। तो अब वो जब टेबल, मैंने कहा मैं इसको कहाँ रखूँ, टेबल की इतनी जगह नहीं है, तो मैंने इसको एज अ डेकोरेशन पीस बना दिया। और इसके साथ मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया। तो ये जैसे है, आप देख सकते हैं बैठने का, ये पर्दे मैंने जो है इसको बनाया था कि थोड़ा अच्छा जी। ये देखें, ये है ऊपर से जो है, फिर ये अल्लाह मोहम्मद, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये पहले मैंने सैलून पे रखी थी, फिर वहाँ से मैंने कहा ये तो मेरे यहाँ मैच कर रही हैं, तो ये मैंने इनको यहाँ पे कर दिया, इसे यहाँ मैंने टांग दिया। ये भी मैंने अलग से लिया था, बनाया था जैसे ना कंसोल, तो ये कॉर्नर पीस है क्योंकि कॉर्नर पीस में लगा दिया। ये मैं लाई थी वहाँ से जद्दा से, ये ना, अब ये थोड़ा थोड़ा सा इसका क्या हुआ, ये रेड हट रहा है, तो उसको मैं भी कर दूंगी बाद में रेड पेंट। अब जगह नहीं मिल रही थी कहाँ रखूँ, तो उसको मैंने यहाँ रख दिया फिलहाल। वाज है, वाज में डाल दो कुछ भी, गिरे नहीं। तो मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं अच्छी लगती, मैं कहती हूँ कि कम चीज़ें हो मगर बड़ी, लेकिन कम नहीं दिखेंगे आपको क्योंकि बड़ा घर था तो एकोमोडेट करना था। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये देखें, ये उसकी रॉट आयरन की ना ये बनी हुई है, इस पर मैंने ये डाली। सिम्बा के बाल दिखेंगे, ये देखें, देखें बाल, इसको सफाई करो। ये है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके साथ एक टेबल भी थी, दो स्टूल्स थे, कुर्सी थी, ये मैंने सैलून का था तो फिर निकल गया सामान। ये मैंने इसको यहाँ एकोमोडेट किया, ये भी कंसोल बना हुआ था जिसकी जहाँ चीज़ें थी, मतलब डाइनिंग रूम में एडजस्ट करना चीज़ों को भी ना, लगाओ नहीं, ये कॉर्नर पीस ये बड़ा मुश्किल होता है, इट्स नॉट ईजी, आपको हर वक्त लगा रहना पड़ता है। ये फिर कॉर्नर का पीस है, इसको यहाँ फिक्स किया। ये भी मैंने लिए थे जब पहले कहाँ से, पार्क टावर्स टर्किश लैम्प्स, तो ये पे मैंने तब लिए थे। अच्छा, और ये पेंटिंग, इसे लगाना क्योंकि ये पीछे से मोटी पेंटिंग है, थिक है, तो इसको मैंने ऐसा इफेक्ट दिया है कि 3D वाला, कि कॉर्नर पे इसके साथ डेप्थ आ जाए। और फिर शैंडेलियर है, ये सब मैं सफाई फाई होता है 15 दिन में एक दफ़ा, ये शैंडेलियर्स इनको साफ करना है। ये मज़े की बात मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये मेरा, मुझे लाइट्स का बहुत शौक है, ये था छोटे लाइट्स, अब ये बल्ब हो गए फ्यूज़। अब मैंने कहा कि सबने कहा नहीं हो सकता इसका, कोई भी आप कर लें, मैंने कहा लो इतना अच्छा एकदम सा आइडिया है। मैंने कहा यार ये मैंने हैबिट से आई थी, छोटी छोटी ये ना ऐसी लगा दो लाइट्स, मैंने कहा ये अब तो खाली ट्री के तौर पे इसको ऐसे हैंगिंग, इसको देखें मैं जला के दिखाती हूँ। इसको मैंने ऐसे यूटिलाइज़ कर लिया, जब मैं दावत होती है तो मैं इसको खोल लेती हूँ, तो ये मैंने इसको ऐसे यूटिलाइज़ किया है, ठीक है। ये अलग से है, ये एक बास था, इसके ऊपर मैंने जो मेरा उसका शीशा था ना जो मैंने आपको दिखाया था ऐसे ही, वो मैंने इसमें फिक्स कर दिया। इसको मैंने बजाय वास के, इसको मैंने क्या किया, टेबल बना दिया। ये देखें टेबल, ये टेबल, इसमें मैं अपना वो डालती हूँ जब दावत होती है तो उसमें खुशबू, यू नो। और ये भी जैसे जहाँ जहाँ मुझे लगा चीज़, ये मैं बैंकॉक से लेकर आई थी ये वाला हाथ, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव दिस, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे ये अलग से। ये है देखें, दिखाऊँ मैं आपको, नीचे का बेस है, ये बेस है, और ये इसके साथ ही ना एक गमला खाली रखा है मैंने ये इसके ऊपर, तो ये हो गया। देखें नहीं, इसको यूँ कर रखें हम सामने, ये फ्रंटल, ये मुझे लैम्प अच्छा लगता है अपना, ये भी जलाऊँ आपको दिखाऊँ हल्का सा जो है, ये
ये मुझे मेरा फेवरेट, ये पता क्या, ये घोड़ा है ना, ये सिल्वर कलर का था। अच्छा, ये जो चीज़ें होती है ना बात सिल्वर की, ये आपको हर वक्त जो है इसको ड्राई कपड़े से पोछना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। अगर इसकी सफाई ना हो तो मिट्टी जम जम के उसके अंदर जैसे जंग हो जाता है ना, वो हो जाता है। तो फिर मैंने इस पर स्प्रे पेंट करवाया। अब मैं कहाँ लेकर जाती, वहाँ से सही करवाती, सदर के अंदर कोई जगह है। फिर मैंने सोचा मेरा अब सिल्वर इतना है ही नहीं यहाँ पे, मैं क्या करूँ ज़्यादा। मैंने इसको पेंट करवाया, देखें ये, देखें ये पूरा तबाही है, ये मुझे बहुत पसंद है ये, ठीक है। ये घोड़ा है। आए दिखाती हूँ बाथरूम को, छोटा से बाथरूम को भी सिंपल से उसको मैंने किस तरह से डेकोरेट किया है। सिंपल सा बाथरूम है और पहले बना हुआ था तो, मगर उसको बस शौक है तो ये लैम्प बच रहा था, लैम्प को मैंने यहाँ रखा। ये मैं जब USA गई थी तो वहाँ से मैं ये लिया, मैंने कहा उसको यहाँ रख दूँ। और बाकी ये छोटा सा रियल प्लांट्स डाला है पानी के साथ। ये छोटा सा कॉर्नर बनाया हुआ था, ये देखें यहाँ पर करके, ग्रीन है तो जहाँ जहाँ की चीज़ें हैं उनको एडजस्ट करना था, मैंने ग्रीन डाला। यहाँ पे ये है, अच्छा मज़े की बात है इनमें भी लाइट्स जलती हैं सारी, ये देखें लाइट्स हैं ये। और जब मैं वो करती थी ना होम शो, ये हमने बहुत सिखाया था, मैं नाम भी भूल गई, सिरेमिक के जो ये होते हैं प्लांट। बाकी जो है यहाँ पे भी रख दे, कैंडल्स जला ली, थोड़ा सा वेंचून डाल दिया और बस ग्रीन। या कैबिनेट्स हैं, इसमें भी सारा मेरा सामान है। इस कबर्ड के अंदर जो है ना वही 27 ईयर्स पुराने कपड़े रखे हुए हैं, और भी ये बांधे दिखाऊंगी। और जितनी कबर्ड्स कम हो उतना ही जो है प्रॉब्लम। ये भी मेरा खास, जब मैं दावत करती हूँ ना तो ये इसके अंदर मैं डालती हूँ जो एसेंस, वो क्या कहते हैं, फ्रेग्रेंस के जो है कॉन्सेंट्रेटेड पानी में डालने के, ये और इसमें से पहले फ्यूम निकलता, फ्यूम निकल रहा, खैर इसमें से पूरी, ताकि एक अच्छी सी स्मेल। और मैं बखूर बहुत जलाती हूँ कोई मेहमान आता है, ताकि जो घर की जो स्मेल है वैसे भी एक अच्छी स्मेल, एक अच्छा सा इफेक्ट देते हैं। तो ये मेरा तकरीबन टेबल लेआउट, मैं आपको बताऊंगी अलग से कि जब वो मेरे पास वीडियो बनी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। जब दावत होती है तो उसमें मैं लगी रहती हूँ, ये सेटिंग करूँ क्या क्या करूँ, तो इसी के अंदर। तो अब आप एक अलग से दिखा कर फिर मैं आपको लाती हूँ जो मेन हमारा सिटिंग एरिया है। चले जी, वैसे तो आपने डिफरेंट वीडियोस में देख ही रहे होते हैं, लेकिन ख़ास तौर से था कि होम टूर दिखाएं। तो छोटा सा है, आपने देखा, ये एंट्रेंस मैं दिखाती हूँ आपको, ये एंट्रेंस है, आए दिखाएं। ये एंट्रेंस है। अच्छा जी, ये मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि यहाँ पर ये जो आप बीम देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे दीवार थी, सही है, ये दीवार थी यहाँ पे, और ये पूरा बंद था, और यहाँ पे सिर्फ किचन का दरवाज़ा था। तो जब मैं आई तो मैंने कहा कि ये सब फॉल सीलिंग कुछ नहीं थी, आप देखें ऊपर फॉल सीलिंग, तो जब मैं आई तो मैंने कहा अल्लाह, क्योंकि मुझे आदत है थोड़ा सा जो है ना एंटर हो तो खुला खुला लगे, लाउंज खुला हुआ हो, तो मैंने कहा मैं क्या, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, एटलीस्ट अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके नीचे छत है। तो मैंने क्या किया, ये पत्थर, इस दीवार पे कोई नहीं था, बस सिंपल दीवार थी,
इस पे मैंने दिया ब्रेक्स, मुझे पत्थरों का बहुत शौक है, और इसको जो है ना ये देखें, इस दीवार को तोड़वा के ये बीम है, ये रहने दी, उसके ऊपर मैंने वॉलपेपर लगाया जो कि एक पत्थर का इफेक्ट दे रहा है, और ये बन गया खुला, क्योंकि यहाँ पे ये एक बेडरूम था, यहाँ से ये पूरा एक लंबा बेडरूम था, तो मैंने दीवार तोड़वा के और ये दीवार भी तोड़वा दी, ठीक है, और ये खुला इफेक्ट हो गया, अब एंड है बैठने का भी खुला है, और उस बेडरूम जो बहुत बड़ा था उसको शॉर्ट करके मैं दिखाती हूँ उसको मैंने यूटिलाइज कैसे किया। तो आइए पहले यहां से मैं आपको ले चलती हूं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा अपना, आई लव दिस पीस, ये पूरा रॉट आयरन का है, और ये देखें कैंडल्स हैं, मैं जलाती हूँ शो के लिए, इसके ये जो है ना छोटी वो जो लाइट्स होती हैं एलईडी लाइट्स, पहले खराब हुई, ये पूरा ये जो आप ये देख रहे हैं ना ये यूं इस पर जलती हैं, अब ये फ्यूज हो गए, अब मैं फिर इसको उतरवा कर इसमें एलईडी लाइट्स है तो यहाँ पर रोशनी आती है, ये लैम्प, ये थोड़े रखी हुई है डेकोरेशन पीसेस, ये कंसोल वैसी है जो डाइनिंग में था ब्रॉन्ज में, ये ग्रीन में, जब ग्रीन में तो मैंने कहा ग्रीन में क्या करूँ, तो फिर मैंने ग्रीन इसके साथ कंसोल ग्रीन है, यहाँ से देखा शबाना, क्योंकि हर चीज़ अभी तो आपको लग रहा है जब सेट हो जाता है, लेकिन जब एकदम से आई थी तो क्या कैसे करना है, तो मम्मी भी मेरे साथ थी, मम्मी को भी बहुत एस्थेटिक सेंस है माशाल्लाह, बहुत उनको भी शौक़ है, तो कह लेंगी बेटा वो मेरे साथ हम लोग लगे रहे कि नहीं यहाँ रखो इसको यूँ नहीं है कुछ, वो भी मुझे आइडिया दें इसको अगर तुम यहाँ लगा लो क्या रहेगा, तो हम करते रहे सोफ़ा की रिप्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, तो ये फिर मैंने जो है ये देखें ये फर्नीचर था, ज़्यादा जगह छोटी है सर पे ना चढ़ा है, ये शीशे थे बड़े बड़े तो फिर मैंने शीशे को हेवी हैं ये काफ़ी, तो इनको मैंने यहाँ फिक्स किए, ये फिर मैं अलग से वहाँ जद्दा से खट्टा लाई थी ना सारी उम्र पे गई थी, इनको मैंने इसके साथ फिक्स किया, शीशे पे लाइट है फिर ये फिक्स किया, ये सारी मैंने फॉल सीलिंग बनवाई थी, ये देखें सारी ना थोड़ा सा ज़रा एक ब्यूटिफाई करने के लिए। अच्छा अब ये जो पीसेज हैं ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, देखिए टेलीफोन ही चलता है, इट डज़ वर्क ये टेलीफोन, लेकिन मैंने शो के लिए रखा हुआ है क्योंकि हर बात गिर गिर जाए तो शीशा टूट जाए, म्यूज़िक सिस्टम नीचे है वो ख़राब हुआ हुआ अभी आया नहीं, ये भी यहाँ पे भी ये चलते हैं प्लांट्स, अब ये इसके साथ अलग है ये अलग था, तो ये जो कहते हैं ना हाथी के दाँत वाले, तो इसको मैंने इसके साथ यूँ जोड़ दिया है, इसमें प्लांट्स डाल दिए हैं ताकि ये ब्यूटीफाई हो, ये पीछे का अलग से लैम्प है ये भी अच्छा लगता है, ये सॉलिड पीस मुझे बहुत पसंद है तो ये मैंने लिया था, सब यहाँ का है, ये यहाँ से लिया था एक सिंपल, और ये बस जो पसंद आ गया तो पसंद आ गया, फिर ये मैं कुछ अमेरिका से लाई थी, सोफ़े थे, अब सोफ़े मैं कैसे रखूँ, पहले मैंने सोफ़े यूँ लंबे रखे थे और यूँ रखे थे ताकि एक सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो और ये टेबल सीधी थी, फिर मैंने कहा यहाँ बैठने वाले यूँ बैठे हैं ये वाले कैसे चेंज करती, फिर मैंने कहा चलो इसको थोड़ा टेढ़ा कर दूँ, इसको भी टेढ़ा किया तो ये सिटिंग अरेंजमेंट एक ये हो गया, ये मेरे बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, ये आपने देखे होंगे ये, क्योंकि पूरा फर्नीचर मिलता जुलता है, इसको मैंने यहाँ लगाया देखेंगे, ये मुझे बहुत पसंद है ये पीस, ये इसके साथ मम्मी ने कहा बेटा तुम बेस्ट है, ये भी देखें इतना अच्छा है ये ना कि इसको तुम एक दीवार पे दे दो, तो मैंने ये और देखो इधर आओ, ये भी वो होते हैं फ्रेम्स थी जैसे होता है अलग से फाइबर की, तो इनको मैंने दोनों को एक साथ लगा दिया तो ये एक दीवार पूरी इसकी हो गई है मैचिंग, ये मेरा ये मुझे बहुत पसंद है, ये भी देखें ब्राउन है कैंडल स्टैंड, अब खुद ही वक्त के साथ पता नहीं खुद इसकी वो टूट रही हैं, फिर यहाँ मैंने कहा मुझे यहाँ लैम्प चाहिए, अच्छा फिर यहाँ पे ना मुझे अंधेरा लगता था मैं क्या करूँ, तो फिर मैं ढूंढती रही कोई छोटी सी जगह हो क्या है, फिर कनेक्शन का मसला होता है, फिर मैंने वहाँ से लीड लेके ये मैं अमेरिका गई थी तो मुझे ये अच्छा लगा था कि सिर्फ जो है ना ये देखें घोड़े की शक्ल है ये, और ये मैं अक्सर आपको पता है कि ये भी जलाती हूँ क्योंकि जब ये ये कहते हैं ना, अभी जला के दिखाती हूँ मैं, यहाँ
ये जो ना ऐसे और भी थे, दो तीन थे, फिर वो मैंने अपने गोल भी था, तो जब मैं शो करती थी उसमें था कि देखें इससे ना आपके डिप्रेशन, नेगेटिव एनर्जी ये सब, तो ये जलाते हैं, तो मैं बिजली थी, मैं कहती हूँ रात को ना शाम में भी ये जला दिया करो, तो ये जलाया। अच्छा, ये मैंने टीवी के लिए ना अलग से ये बनाया कि नीचे डीवीडी हो, अब तो दौर नहीं डीवीडी का, टीवी, और ये स्पीकर्स को ऐसे फिक्स कर दिए मैंने। मेरा ये पीस देखें, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये दिखाओ, ये देखें, ये हाँ कितना बड़ा, ये कैंडल, ये जो है इधर 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 नीचे, पहले नीचे दिखाओ, ये पीस मेरा, और ऊपर ये देखें घड़ी है। अच्छा, अलग है, मज़े की बात है, पसीने छूट गए, आप देखें ज़रा, ओफ अल्लाह। अच्छा, ये घड़ी अलग थी, ये अलग है, मैं बताऊँ अभी तो, ये अलग से, मैंने कहा इसको अलग करके क्या, बल्कि शायद मम्मी ने आइडिया दिया था कि इसको तुम इस पर रख दो ना, तो ये देखिए, ये भी कहता है ये सब फाइबर का है ना, ये अच्छी खास घर, इसको मैंने इस पर किया तो दोनों की शो हो गया। ये देखिए, ये 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 ठीक है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ये देखें जी, ये किचन था, ये पूरी दीवार थी, अगर ये बंद हो तो कितना छोटा सा लगता, इतना बड़ा कमरा, क्योंकि अब जाय, तो ये मैंने इसको इस तरह से एक बिल्कुल सा, आप देखें पड़ा, इसको यहाँ बैठ के हम अब ये ग्लासेस रखें, शो के लिए मैंने लगाया, ठीक है, ये भी मैंने इसे बनाया हुआ है, तो ये एक इफेक्ट दे रहा है कि जैसे कि आपका शो, जूसेस वूसेस मैं अपने डाल देती हूँ, ये सब मेरे शो के लिए रखा है। और यहाँ पर हमारा टेबल टॉप है, नीचे लकड़ी दी, ये स्टूल्स रखे, तो जब हम लोग खाना खाना होता है, ब्रेकफास्ट करना होता है, कोई ज़्यादा एहतमाम नहीं, फ्रेंड्स भी कहीं ऐसी हैं, तो यहीं बैठ के हम खाना खाते हैं, किचन है, कुछ बना रहे हैं यहीं पे सब किया, तो आसानी रहती है मेरे लिए यहाँ तक। तो किचन भी दिखा देती हूँ आपको, किचन पूरा ये जो पीला आप देख रहे हैं ना, ये जो मेरे इसके हैं पत्थर का, ऐसी थी बिल्कुल। तो फिलहाल मैंने इसको कैसे किया, तो देखिए यहाँ पर भी ये नहीं था, दीवार थी, तो नीचे हमने कैबिनेट्स बना दी ताकि इतने के टांगे रखो, तो ये टेबल टॉप एज अ टेबल हो गई, ये स्टूल्स रखे हुए हैं, यहाँ बैठ के खाना खा लिया। ये कैबिनेट्स को मैंने डीको पेंट कराया, अंदर से मुझे बिसी करानी है, ये मार्बल फिनिश ये किया, ग्रे मैंने टाइल्स दिए, और ऊपर से ये यहाँ से जो है ना, ताकि जो हवा होती है, जो एग्जॉस्ट फैन दो लगाए हुए, ये अंदर है, ये अंदर लगाएं ताकि बाहर ना देखे, तो यहाँ से बटन जला के वो हो जाता है, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है, तो और बस बाकी थोड़ी सी और चीज़ें चाहिए होती हैं। ये मैंने बनाया ग्लासेस व्लासेस रखने के लिए ना, कॉर्नर पे, ज़्यादा सर पे ना चढ़ाए, तो स्लिम सा पूरा। और ये मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ सेट कर दिया ब्लैक के साथ, ब्लैक ब्लेंड, तो बेसिकली चीज़ों की रिप्लेसमेंट ये है। अब मैं आपको ले चलती हूँ, जो मैंने ये कमरा था उसको मैंने क्या यूटिलाइज करवाया वो दिखाती हूँ, कहाँ रखनी है हर जगह। तो ये ब्लैक था, तो ब्लैक के साथ वो पेंटिंग्स वहाँ की, इन दो को मैंने यहाँ कर दी। तो ये सब बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये यहाँ यहाँ करो, क्योंकि अभी तो आपने सेट देखा, जब हर चीज़ आपकी बिखरी हुई हो और हर चीज़ खाली हो, तो उस वक्त समझ नहीं आ रहा, तो मगर करते करते लगाया, नहीं अच्छा लग रहा, ये एक को लगाया, दूसरे को लगाया, इस रूम को जो मैंने इसको बड़ा किया और रूम को छोटा किया, देखें ये मैंने पूरी कबर्ड्स, कुछ अलग कबर्ड्स थी, ये अलग कबर्ड थी, ठीक है, ये ऐसी कबर्ड मैंने ऊपर बाथरूम में भी रखी है, ये देखिए ये अलग कबर्ड है, ये अलग कबर्ड है, ये अलग कबर्ड है। अच्छा, ये जो है ना, इसको फिर बनाया, ये दो कबर्ड्स पुरानी है, इसको देखते हुए कॉर्नर बनाया, इसके अंदर मैं अपने जूते वूते भी सब रखती हूँ, ये फिर मैंने बनवाई कबर्ड्स, ठीक है, ताकि ये पूरा सर्दी के कपड़े हैं, कुछ क्विल्ट्स हैं, कुछ और चीज़ें, सब में मेरा कब्ज़ा है इन पे, और बाकी जो है ये ट्रेडमिल रखी हुई जो अभी ख़राब हो चुकी है, तो यहाँ ऐसे दिखा दो, ये शबाना कह रही है कि लाइट से ग्लेयर पड़ रहा है, ये भी मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे तो क्यूट, ये मैं पहले दुबई से लाई थी, इसके अंदर आपको बताओ मैंने कहाँ चले गए मेरे वो छोटे 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 ब्रास के खिलौने थे, क्लॉक बनी हुई थी, चक्की बनी हुई, ये मैं कह रही हूँ कहाँ गए, फिर ये देखें छोटे छोटे से ना ऐसे, अभी शवान इसमें मिट्टी लग रही है, मुझे थोड़ा सा पॉलिश करनी है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है ना, इसको यहाँ सेट कर दिया, ये एक छोटी सी टेबल है, इसको भी मैंने इसको यहाँ कर दी, शबाना चीज़ें ये इसके साथ,
टच कर दी, हर जगह छोटी छोटी चीज़ों को मैंने एडजस्ट कर लिया। अब एक ओवरऑल मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से कि देखिए ये एंटर हुए, ये अभी यहाँ पे सभी रखा हुआ है जो कि आप लोगों ने देखा है, और ये एक इफ़ेक्ट जो है एक छोटा सा इसको हमने ये इफ़ेक्ट दे दिया है ये सब तमाम चीज़ों के साथ। ये मैंने अभी लाइटें बंद कर दी, अशवाना जलाओ जल्दी से, और ये हमने आपने देख चुके हैं, चलें बस सही है ठीक है ना। आए चल अब मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। अच्छा मैं ये भूल गई थी ना, मुझे शुभाना कहेंगी कि भाजी आपने अपनी ये तो आपको फेवरेट है ये तो आपने किया ही नहीं। अच्छा इस पे मैंने देखे पत्थर दिया, फिर इस दीवार पे मैंने ये लगाया, ये पे मैंने सस्ता सा बनाया था जिस पे ग्लास पेंटिंग होती है, गोल को यहाँ रखा, ये बड़े बड़े मेरे वो हैं लैम्प्स हैं सॉरी हाँ, तो ये तो मैंने बंद कर दिए कोई बात नहीं, इसमें बल्ब है। और बजाय मैं कहीं ऊपर रखती जब मेज़ पे रखो तो इतने ऊँचे लग रहे थे, ये भी मम्मी ने आइडिया दिया, मम्मी ने कहा इन दोनों को तुम नीचे रखो और दोनों को साथ रखो, तो ये मम्मी मुझे याद है ये मम्मी कहते हमने यहाँ रखा है, और इसको ये चलते फिरते गिर ना जाए तो मैंने इसको नीचे से ना ग्लू चिपकाया हुआ है एल्फी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं ये। आई एम सॉरी मैं आपको इसलिए इतनी डिटेल में दिखा रही हूँ और बता रही हूँ ताकि चीज़ें हैं आपने आप लोग जानना चाह रहे थे कि कैसा क्या हुआ है, तो बस ये चीज़ें इकट्ठी की यहीं से, कभी नर्सरी से, कभी कुछ जो कोरंगी ब्रिज के साइड में नहीं मार्केट है नया नया बना था वहाँ से जाके ले ली, और तब मैंने सस्ती ली थी, अब तो बहुत महंगा हो गया फर्नीचर ठीक है। और बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि आपको यकीन नहीं आएगा मैंने ये पूरी जो चीज़ें हैं ना, इवन जो वॉल की सेटिंग्स हैं, ये मैंने 3 दिन में, मैं झूठ नहीं बोल रही, 3 दिन में मैंने सेट किया है। मैं दिन रात लगी रहती थी इसी में, मैं इंडस पे मॉर्निंग शो कर रही थी, मैं सुबह के 4 बजे सोती थी, इलेक्ट्रिशियंस को मैंने कहा तो मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी लेकिन प्लीज़ रात के 3 बजे तक वो लोग काम करते थे, फिर मैं थोड़ा समेट के 4 बजे फिर मैं सुबह मॉर्निंग शो करने के बाद आती थी, फिर मैं लग जाती थी। मैंने 3 दिन में ऑलमोस्ट अपना घर सेट कर लिया था, मुझे सुकून नहीं मिलता साफ वाफ करके ऊपर नीचे, ये आई डोंट नो ये मैं कैसे कर लेती हूँ मुझे नहीं पता, तो ये मैं बताना चाहूँगी। और हाँ साथ साथ मैं ज़रूर स्पेशल थैंक्स जिसने मुझे मदद की है, यावर शेख जो कि जिनके साथ मैंने कहा था मैं स्टार्ट करना चाहिए थी कि और हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करें, जो कि उसने मुझे बहुत हेल्प आउट की, मतलब उसी को मैंने दिया हुआ था कि तुम मुझे ठेके पे आइडियाज़ मेरे थे जाके पत्थर लाना है करना आइडियाज़ ये सब उसी ने फिर मुझे हेल्प आउट किया था, तो ऑब्वियसली मैं जिसने मुझे मदद की तो वाई नॉट मैं उसको भी शामिल करूँ इस वीडियो में, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच यावर शेख। चलो आइए जी ऊपर चलते हैं। ये मैं जो स्टैचूज हैं कहाँ कहाँ से जो है ना मास्क, ये मैं मलेशिया दुबई से इधर से उधर से लेकर आई हूँ, और ये भी मेरा लकड़ी का वो है, और ये भी स्टैचूज रखे हुए हैं। आई नो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं रखना चाहिए, मुझे पता है हटा दूँगी अच्छा, और ये भी अलग से मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपना ना। अब सिर्फ मकसद है छोटी सी जगह को प्लेसमेंट कैसे की है, ये अलग था मज़े की बात, इसके साथ सेट नहीं, ये अलग पीस लिया हुआ था, इससे अलग लिया था, तो मैंने कहा इसको मैं ये देखें एक लग रहा 1 है इसका कितना मैच कर गया, इत्तेफाक की बात है, तो ये पूरी एक पीस मैंने यहाँ कर लिया ठीक है। और फिर ये मैंने चीज़ें ज़्यादा थी, वो घर बड़ा था, कुछ सैलून में रखी थी बहुत सारी चीज़ें आदि, जितनी मैं यहाँ सेट कर सकी मैंने कर ली। फिर मैंने इन पेंटिंग्स को यहाँ रखी, वो 500 yards पर था ये छोटा, तो ये देखें ये मैंने इसको ऐसे लग दिया, ये अपना ऊपर मैंने ये लगाया, ये देखें ये मैं आपको दिखा दूँ अभी प्लीज़ बस ऐसी जल्दी से देख लें। ये मेरी बेटी का कमरा था अनम का, उसको बहुत था हर चीज़ होनी चाहिए, तराजे और पूरे पेपर वर्क ये सब एज इट इज़ रखा हुआ है। ये बाथरूम, इसको भी ये सब करना है मुझे बस सिंपल सा, चलें जी अब मैं आपको बाहर लॉन्ज में लेके जाती हूँ, ये सब मुझे जाना है अभी, तो सब ये दर्जी के सामान है तो इसको भी मैंने इसे रखा हुआ है। ये देखें अनम ने जो ना मेरी बेटी, तो उसने ये इतना प्यारा, इसने कहा कि इस इसका राइटिंग डेस्क का है, तो ये तो अब जाहिर से तो मैंने अभी हटाया नहीं
कि उसको शौक है या कोई भी काम करना हो तो हम टेबल कुर्सी हो, ये टिपिकल वो वाला है, ऑफिस स्टाइल है। और ये अभी हम सबकी चीज़ें इतनी सारी हैं तो उसको एकोमोडेट करना, पीछे भी म्यूज़िक सिस्टम है छोटा भी मैंने दिखा रही हूँ। और सिम्बा हट जाओ, सिम्बा का रूम है, सिम्बा यहाँ आके बैठ जाता है, खूब बिस्तर में बाल वाल होते हैं। तो आइए मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि इसका था, इसे कहाँ सेट करूँ, जगह नहीं मिल रही थी, फिर मैंने इसको यहाँ सेट किया। ये मैं वहाँ से लाई थी जद्दा से ना, जब उम्रे पे गई थी, सब पूरा एक ही हमने कार्टून में शिपमेंट की थी। तो बड़ा अच्छा ये पीस है, नीचे भी छोटा सा संदूक है, देखें ये भी संदूक है। संदूक को कहाँ रखती, बस। तो ये स्टूल्स हैं, स्टूल्स के स्क्रैच करके ऊपर के बटन्स ख़त्म हो गए, और बाकी ये छोटी कुर्सियाँ हैं। अब छोटा रिप्लेसमेंट था तो छोटी मेज़, इसके साथ ये मैंने ब्लैक रखा हुआ है, आप देख चुके हैं। ये लैम्प है, ये चार पेंटिंग्स ऐसे टांगी, ताकि एक ऊपर की थीम ब्लैक ब्राउन मतलब खुद ब खुद होती रही। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इस मिरर को मैं कहाँ करती। फिर मैंने कहा एंटर हो तो ज़रा बड़ा इफेक्ट लगे, यू नो। तो इसको भी करना था सेट यहाँ, ये टेबल मैंने यहाँ, कारपेट्स और ये सब, ये देख लें आप, ये सब काफ़ी चीज़ें होती हैं डस्टिंग की। और ये इतना अच्छा मेरा जो सोफ़ा, ये मैंने इसको पूरा लेदराइज किया था। जब हमारा जो छोटा सा कुत्ता है ना फ्रेंडी, उसको क्या किया कि अलीजे के पास था उसके कमरे में, उसने रात को तंग करा था, उसने बाहर निकल। जब मैं सुबह उठी हूँ तो ये देखें, मैं इसको पूरा लेदर फटा हुआ था, रुई बाहर थी। बस मैंने कहा नहीं, अब नहीं, बाहर निकालो, ये तो हर चीज़ उखेड़ देगा, ये क्या बात है, कोई जंगलीपन है। तो उसके बाद से इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं दोबारा पूरा पीस ढूंढती रही, मुझे पीस नहीं मिला। तो ये देखें मैंने क्या किया है, ट्रिक देखें, अब दूर से आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैंने काला टेप चिपका दिया, मैं बाद में करूँगी। ये देखें, ये भी दिखा, बस कोई बात नहीं, दिखाने की चीज़ नहीं आपको। ऊपर का लाउंज है, बैठ जाएँ जो भी है। टीवी, किसी ने मुझसे कहा हाँ इतना पुराना टीवी तो, हाँ यहाँ कोई इतना देखता नहीं, बाद में मैं इसको बना दूँगी। तो बस ये रखा हुआ है तो रखा हुआ है, बाद में जब होगा इसको हटा दूँगी, और फिर मैं इसको अंदर कोई म्यूज़िक सिस्टम, मतलब बड़ा टीवी, बस सही है भी काफ़ी। बस ये मेरा रूम है, ये देखें सब में लगाया हुआ है, इसको यहाँ फिक्स किया हुआ है। सिम्बा का खाना होता है यहाँ पर, और ये मेरा रूम है। साइज सही है, आप ये तो आप अक्सर देखते रहते हैं, मैं यहीं पे कपड़े पहन के आप लोगों को बता रही होती हूँ, यहाँ पे मैं मेकअप कर रही होती हूँ। किसी ने कहा प्लीज़ अपना सिलेक्शन दिखाएं, अब इतने सारे, ये बस ये कि फर्क दराजों में मेकअप है, सही करते रहो। ये मेरे परफ्यूम्स हैं सारे, ये भी चीज़ें मैं अमेरिका से लाई थी, यहाँ पर परफ्यूम्स हैं, यहाँ परफ्यूम्स हैं, क्रीम है, ये अलग, अभी बहुत लंबा हो जाएगा। अंदर भी दराजों में रोलर्स हैं, ब्लो ड्रायर, और यहाँ पे ये देखें, ये भी मैंने कॉर्नर पीस बनाया हुआ है, जैसे कि दो कुर्सियाँ थीं, कहाँ रखो, तो मैंने कहा इसको पे मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, दोनों अपनी जगह, कॉर्नर छोटा सा बना लिया, यहाँ पे टेबल रख ली, बैठ गए यहाँ पर। और ये जब था तो फिर मैंने सारा ये वॉल पेपर दिया हुआ है इस पर, तो ये लगता है कि जैसे दीवार ना, कि जब डाइवोर्स के बाद सब चीज़ें, ये पर्दे वर्दे, क्या थीम रखूँ, तो फिर मैंने ये ब्लू रखा था। और ये जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है ना, ये देखें, ये और ये सब दुबई से आया था मेरे जहेज का, इतना पुराना है ये तो, इतना पुराना एंटीक, मगर ये मेरे लिए काफ़ी हैंडी चीज़ें रखना करना सजाना, तो बिल्कुल सही सूट करता है। ये बस ये आप जो देख सकते हैं, ये मेरी, ये देखें, हाँ ये सोफ़ा था, इसका सब करना है, इसको ये हमने कर लिया। इसका जो है ना, ये यकीन करें, ये एकदम से हवा चली, ये ब्लाइंड हुआ और ये गिरा, इसके यहाँ चूरा चूर हो गए थे। काश मैं इसकी तस्वीर ले लेती ना, ये देख रहे क्रैक्स, ये देखें, ये पे मेरे चौकीदार ने जो है ना, मैं तो फेंक रही थी, फिर मैं कहीं जुड़ ही नहीं सकता, और यहाँ पे चूरा चूरा, ये सब चूरा था। फिर मैंने कहा अच्छा चलो यार, शायद मैं कहा देखो कोशिश कर लो, वरना तो इतना मुझे पसंद था ना ये देखे कोई कह सकता है दूर से, उसने छोटे 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 जोड़ के उस पर से प्लास्टर किया, इतना से देखे बेहतरीन, कहाँ में फेंकते फेंकते। ये छोटी सी मेज थी, इसे कहाँ यूटिलाइज करूँ, इसे मैंने कोने पर रख दिया, यहाँ रखूँ कभी वहाँ रखूँ, शिफ्ट करती रहती। अच्छा ये मेरे जूतों की कबर्ड है,
ये नीचे अलग हैं, ये एक ऊपर एक बस सब बहुत ज़्यादा जो ये भी हैं, ये भी शेज़ ख़ास बनी है ये, अभी मत देखें साफ़ कर करके सफाइयाँ ख़त्म नहीं होती, ये अलग हैं सारे, ठीक है। अच्छा ये इसमें भी मेरी सब है, इसको भी यहाँ रखा हुआ है क्योंकि इसमें चीज़ें चाहिए होती हैं। और बाथरूम बस सिंपल से दिखा देती, ऑन कर देती हूँ, नहीं बंद कर, बस ये देखें बस छोटा सा बाथरूम है अपना, चीज़ें रखी हुई हैं सारा, और बस ये इतना। यहाँ पे भी मैंने कबर्ड दे दिए, कम पड़ती हैं कबर्ड्स, तो इधर ऊपर नीचे सब कबर्ड्स हैं। तो यहाँ पे पेंटिंग्स लगानी बच रही थी, गोल्डन पेंटिंग्स, प्लांट को टांग दिया, इसके अंदर चीज़ें रख दी, टांग दिया, तो बस ये कि अपना ये बाथरूम है दैट। हाँ तो बस ये देखें, यहाँ पे मैंने छोटी सी ट्रेज मिलती हैं शीशे की, इसमें आप चीज़ें डाल लो, मैं चेंज करती रहती हूँ। और फिर यहाँ पे भी एक मैग्नीफाइंग मिरर रखा हुआ है, ये इसके साथ मैंने ये प्लांट ये कर दिया, ये सिंपल ये कर दिया। सो दिस इज़ माय बेडरूम, ये आपने देख लिया। खैर लाइट्स मैं इतनी ऑन नहीं रखती आपके लिए, तो यहाँ से पूरा दिस इज़ माय बेडरूम, और ये आपको हमने दिखा दिया। सुबह में मैं यहाँ खिड़की है तो बाहर से रोशनी होती है, और ये मेरा है। रात में बैठ के मुझे नेटफ्लिक्स या कोई भी टीवी देखती हूँ, ये है। ये मैं देख रही हूँ, मैं आप लोग के लिए ले रही हूँ एक पूरा फुल कि चीज़ें वीज़ें ये सारी, ये इस तरह से ये देखें, छोटी छोटी चीज़ें इतनी मैंने सब की हुई। अच्छा जी ये जो देखें ना, यहाँ से ये मेरा कमरा था, और ये जो है ये अलीज़े का कमरा है। अलीज़े का इसने ब्लैक एंड वाइट रखा है, आपको पता है थोड़ा सा भी। ये अलीज़े का कमरा है, अलीज़े की चेयर, ड्रेसिंग टेबल, तो ये बस है। तो आइए जी ये हमने आपको दिखा दिया, और लास्ट राउंड अपने यहाँ से ये है। तो आई होप ये मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में वीडियो बना के, पहले आपने देखा था ARY पे निदान किया था घर का। तो छोटा सा घर है, बस अपना होना चाहिए छत, और उसको आप ख़ुद उसको अच्छा बनाते हैं। बहुत सारी छोटी चीज़ें होती हैं घर में, मेंटेनेंस है, सफाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको साफ करो, मिट्टी बहुत आती है। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइट। और ये भी मैं ज़रूर बताऊँ जाते जाते कि ये मेरा ट्रेल आई थी मैं, तो इसको मैं क्या करूँ। तो ये देखें ये तब मुझे अच्छी लगती है ना ये ट्रे, कि अब मैं ड्रेसिंग टेबल पर रखूँ मैं करनी, जब वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये मैंने अपने म्यूज़िक सिस्टम के साथ ये भी मैंने डाल दिया, इस पर मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ आप लोग। ये सिम्बा कंगा है और AC का, तो इसको भी मैंने ऐसे यूटिलाइज किया है। तो बस कहने का मकसद है कि व्यूअर्स, ऑब्वियसली आप लोग की अप्रिसिएशन, ये हम सब के लिए जो भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, हमारे लिए एक कहता है ना, एक वाइटमिन का काम कर रहा होता है, एक बूस्टर डोज है। आप लोग के कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें अच्छा लगता है। आई नो नो वन इज़ परफेक्ट, हर एक में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या है आपका हमारा साथ सदियों से है। मैं जब से शोबिज में आई हूँ, मैंने हमेशा से ये रहा कि आप लोग हमेशा अपना समझा। मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ, सब मुझसे वैसी प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, बिकॉज हम आपकी वजह से हैं। तो आप जो इज़्ज़त देते हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। And I hope you must have liked my video. मैं आई थी, मैं थकी हुई थी, और बस मैंने कहा नहीं आज अगर नहीं की ना तो फिर रह ही जाएगा। तो अपने कमेंट्स दीजिए, देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा लोग हों, और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी है। कपड़े हों, मेरी शॉपिंग है, अभी मैंने CTC मार्केट को किया हुआ है, मैंने कपड़े ख़रीद के लाई हूँ, वीडियो बना ली, दर्जी जब देगा तब मैं अपलोड करूंगी, मैं आइडिया शेयर करूंगी। साड़ीज़ हैं, बहुत कुछ है मैं आपके साथ शेयर करने के लिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। फ़ोन भी आ रहा है, तो बस अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सोला सिंघार विद अंबर खान।